ये जो कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट का अंडर जो पांच कंपनी है पावर सप्लाई का, जेस्कॉम, हेस्कॉम, बेस्कॉम, जेस्कॉम ऐसा मैंगलोर, ये सारे कंपनी में खेड़े गांव में मीटर रीडर पोस्ट नहीं है। ये लोगों ही ग्राम विद्युत प्रतिनिधि बोल के जो लोग है, हर पंचायत को एक एक आदमी, यही लोग मीटर रीडिंग करके वो यही लोगों से पैसे जमा करके कॉरपोरेशन को भर रहे। ये लोग 18 साल से काम कर रहे, इनको कुछ परमनेंसी नहीं, क्या भी नहीं। इनका साथ 50,000 रुपये लेके महीने को एक एग्रीमेंट करते, और इन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, पीएफ नहीं, कुछ भी नहीं। इन्हों मरे तो भी 1 रुपये नहीं मिलते। कोविड में कई लोग मरे, 350-400 लोग, इनको 1 रुपये नहीं मिले। अब ये लोगों को परमानेंट करना, क्योंकि ये लोगों का हर दिन 12 से 14 घंटा काम करते हैं लोग, पूरा 30 डेज इन ए मंथ। ऐसा लोगों को परमानेंट करना बोल के कर्नाटक का हाईकोर्ट ऑर्डर आया। वो हाईकोर्ट का ऑर्डर इम्प्लीमेंट करो बोले तो आज तक गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं करे, चुप बहाना बना के ये लोगों को ऐसी सता रहे। इसलिए हम श्रमजीवीगढ़ वेदिके और कर्नाटक राज्य ग्राम विद्युत क्षेमाभिवृद्धि संघ जो एसोसिएशन है इनका, दोनों मिलके ये सत्याग्रह कर रहे। मैं खुद बेंगलुरु कंपनी का बेस्कॉम का मीटिंग लिया, सारे वर्कर्स 100% एम्प्लॉयज आया था। हेस्कॉम का मीटिंग जो हुबली कंपनी है वहाँ का भी मीटिंग करें, वहाँ पे भी 100% लोग आया था। मैसूर को जाके मैसूर लोगों का भी, चस्कॉम और चामुंडेश्वरी पावर सब कंपनी है वहाँ पे भी मीटिंग करें, वहाँ पे भी 100% लोग आया। पूरा हम लोगों को जो ग्राम विद्युत प्रतिनिधि है कर्नाटक का, पूरा हमारा साथ जोड़े। ये लोगों को लेके हम 6 तारीख को फ्रीडम पार्क पे सत्याग्रह को इंडेफिनेटली बैठ रहे, क्योंकि ये लोगों का जो सिंगल बेंच का जो जजमेंट है वो इम्प्लीमेंट करना, इनको जूनियर मीटर रीडर पोस्ट क्रिएट करके ये लोगों को परमानेंट करना, वो मांगी पूरे होने तक हम सत्याग्रह को, इंडेफिनेट सत्याग्रह को बैठने वाला है। गवर्नमेंट को ये लोगों का ऊपर जो रेवेन्यू लाके डिपार्टमेंट को जिंदा रखे, इनका ऊपर प्यार मोहब्बत रहे। तो अभी 3 दिन टाइम है, 3 दिन का अंदर कुछ डिसीजन लेना, नहीं तो हमारा जो सत्याग्रह रहते उसको फेस करना पड़ता बोल के। पिछले प्रेस मीट के बाद आपसे कोई संपर्क किया है? नहीं नहीं, वो अफसोस की बात है, ये आज तक कुछ हमको रेस्पॉन्स नहीं किया, 20 दिन हुआ। लेकिन हमारा एक स्ट्राइक नोटिस जाने के बाद सुनील कुमार जो पावर मिनिस्टर है, ऑनरेबल पावर मिनिस्टर, ही हैज इश्यूड ए स्टेटमेंट यहाँ पे कलबुर्गी में, चुनो बोले ये लोगों को मैं 16,000 तनखा कर रहा है कुछ बोल के। वो क्या है, टारगेट है L1, L2, L3, L4। L1 में मीटरीच नहीं है, वो भाग्य ज्योति का है। L4 बोले तो खेड़े गांव में जो किसान लोगों खेत में पंप सेट रखे IP सेट उसको है, वहाँ पे भी मीटर नहीं है। वो रीड करे तो फुल होते, वो होने वाला ही नहीं। फिर ये भी अनऑफिशियली बोले, आज तक ऑफिशियल को MD को नहीं आया, कहाँ पे भी 16,000 करे बोल के भी नहीं आया। और हमारा साथ जो स्ट्राइक नोटिस दिया था, हमारा साथ आज तक गवर्नमेंट का कुछ कम्युनिकेशन नहीं है, ये बहुत अफसोस की बात है। फ्रीडम पार्क में पूरा 3,700 लोग पूरा जमा होने का ये है, पूरा 3,700। मेन डिमांड वही जो सिंगल बेंच का जजमेंट है वो इम्प्लीमेंट करना, जूनियर मीटर रोड मीटर रीडर पोस्ट क्रिएट करके ये लोगों को परमानेंट करना, दैट इज अवर वन एंड ओनली मेन डिमांड।